हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो इस वीडियो सीरीज में हम क्रिएट करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव में फुल स्टैक एप्लीकेशन। तो उसका एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। ये हमारा लॉगिन पेज है, यहाँ से यूज़र लॉगिन कर सकता है। सेम उसी तरीके से हमने रजिस्टर पेज भी बना के रखा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे रजिस्टर पर तो रजिस्टर पेज यहाँ पर शो करेगा। मैं वापस आ जाता हूँ लॉगिन पे, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट मैसेज भी शो करेगा, प्लीज़ ऐड ईमेल और पासवर्ड। तो बेसिक वैलिडेशन भी हमने इसमें ऐड करके रखा है और लेटर हम इसमें और भी चेंजेस करेंगे। फिलहाल ये डेमो है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एज अ एडमिन लॉगिन कर लेता हूँ, admin@admin.com। उसके बाद में फिर पासवर्ड ऐड कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक अलर्ट मैसेज मिलेगा, लॉगिन सक्सेसफुल, और कुछ इस तरीके से आपको जो है एप्लीकेशन का इंटरफेस नज़र आएगा। टॉप पे हमारे पास सर्च बार है जिसमें आप प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरीज है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप इसको स्लाइड भी कर सकते हैं, और भी अगर आपको कैटेगरीज को ऐड करना है तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास है बैनर, जो भी अगर आपको ऑफर्स ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले होंगे क्योंकि ये हमारा होम पेज है। नीचे अगर आप फूटर देखेंगे तो फूटर में हमारे पास काफ़ी सारे मेन्यूज है, नोटिफिकेशन है, जैसे अगर मैं नोटिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ तो अगर कोई भी नोटिफिकेशन यूजर को भेजना है तो हम यहाँ पर उसको इस टैब में भेज सकते हैं। उसके बाद में अकाउंट है, फिर कार्ट है, और फिर लॉगआउट है। जैसे मैं लॉगआउट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हम लॉगआउट हो जाते हैं, और वापस से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, इसमें हम लॉगिन सक्सेसफुल हो गए। उसके बाद में आप कोई भी कैटेगरी पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे मैं मोबाइल पर क्लिक करता हूँ तो उस कैटेगरी वाले पेज पर ये शो करेगा। अभी फिलहाल हमारे पास कैटेगरी पेज नहीं है क्योंकि इसको मैंने कम्प्लीट अभी क्रिएट नहीं किया हुआ है, अभी इस पर बहुत सा काम करना बाकी है। लेकिन छोटा सा एक डेमो दे देते हैं स्टार्ट के लिए, इसीलिए मैंने जो एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रखा है क्या क्या चीज़ें हम इस एप्लीकेशन में क्रिएट करने वाले हैं। उसी तरीके से ये जो बैनर है इस पर क्लिक करेंगे तो ये उस बैनर ऐड पे हमको रिडायरेक्ट करेगा, अभी फिलहाल मैंने उसको भी क्रिएट नहीं किया हुआ है, सो ये यहाँ पर सिर्फ अलर्ट मैसेज शो करेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, जैसे आप डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की डिटेल्स हमको शो करेगा, और यहाँ पे आप जो है क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लिमिट मैंने इसमें 10 कर रखा है। जैसे आप 10 पर जाएंगे और अगेन प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलर्ट मैसेज शो करेगा, यू कांट ऐड मोर देन 10 क्वांटिटी। उसी तरीके से यहाँ पर इसको 1 पे मैंने लॉक करके रखा है, 1 से जो है ये माइनस नहीं होगा। उसके बाद में आते हैं वापस होम पे, और आप यहाँ से भी ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, फिलहाल फंक्शनैलिटी एनेबल नहीं है, इस पर काम चालू है। उसके बाद में देखिए अकाउंट है, कार्ट है, अगर आप कार्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका प्रोडक्ट शो करेगा। फिलहाल मैंने जो है एक ही इसमें आइटम ऐड करके रखा है, यहाँ से भी आप इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्राइस है, फिर टैक्स है, फिर शिपिंग चार्जेस और ग्रैंड टोटल भी यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद में आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे चेकआउट पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट ऑप्शन आपको पूछेगा कैसे आपको जो है पे करना है, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी या फिर आप ऑनलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी के लिए जो है आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस आएगा, और भी फंक्शनैलिटीज पर ऐड करना भी बाकी है। और अगर ऑनलाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, कोई भी पेमेंट गेटवे का इसमें इस्तेमाल करेंगे, अभी फिलहाल पेमेंट गेटवे का पेज इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है इसीलिए जो है एम्प्टी शो कर रहा है। उसके बाद में आप जो है अकाउंट पेज में जा सकते हैं, अकाउंट में जैसे आएंगे तो देखिए आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा, और यहीं से आप जो है अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ से अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए इमेज पिकर भी है, यानी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी इमेज को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी प्रोफाइल पिक्चर है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो भी डिटेल्स है उसको भी अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप अपने ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं, जैसे ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने ऑर्डर दिए होंगे तो वो यहाँ पर शो करेगा। उसी तरीके से नीचे देखिए नोटिफिकेशन है, तो यहीं पे आपको जो है नोटिफिकेशन भी मिलेगा, ऑर्डर से रिलेटेड भी आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास है एडमिन पैनल, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखिए एडमिन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, कैटेगरीज को, फिर उसके बाद में क्या ऑर्डर्स का स्टेटस है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद में यूज़र को भी आप मैनेज कर सकते हैं, और लास्ट में एक अबाउट ऐप करके मैंने दे दिया है, इनकेस अगर एडमिन को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर वो कांटेक्ट कर सकते हैं, डेवलपर का जो है कांटेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो उससे कांटेक्ट कर पाए। तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन फ्रॉम द स्क्रैच हम क्रिएट करने वाले हैं, और इसमें हम जो है रिएक्ट नेटिव, फिर नोड जेएस डेटाबेस के लिए MongoDB, और भी जो भी चीज़ें हैं उस पर काम करेंगे। फिलहाल मैंने जो है इसका बेसिक फ्रंट एंड क्रिएट करके रखा है, कुछ इस तरीके से फ्रंट एंड पार्ट रहेगा, इसमें भी हम आगे चेंजेस करेंगे लेकिन फिलहाल इतना डेमो के लिए मैंने बना के रखा है। तो कुछ इस तरीके से हम जो फुल स्टैक ई कॉमर्स एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है,
और काफी कुछ आपको इसमें सीखने मिलने वाला है। अगर आपको ये यूआई पसंद नहीं आ रहा है तो अपने हिसाब से भी आप यूआई को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं जो है आपको स्केलेटन बना के दे रहा हूँ, आप इसमें प्ले करिए, अपने हिसाब से कलर सेट करिए या फिर आइकॉन सेट करिए, तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कैसे डिजाइनिंग होती है। क्योंकि हम इसमें कोई भी थर्ड पार्टी सीएसएस लाइब्रेरी का यूज नहीं करेंगे, हम इसमें प्योर जो है स्टाइल शीट का यूज करेंगे और उसकी मदद से ये सारा डिजाइन जो है अचीव करेंगे। सो आई होप आपको प्रोजेक्ट पसंद आएगा और काफी कुछ आप इस प्रोजेक्ट से सीखेंगे। ऑल्सो सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। जितनी फंक्शनैलिटी होती है तो वीडियो के अकॉर्डिंग मैं जो है वहाँ पे कमिट कर दूंगा, आप वहाँ से जो अपने कोड को जरूर कंपेयर करें। कुछ भी इशू आता है तो आप जो है वहाँ से कंपेयर करके जरूर चेक करें।